बंदा असली होवे ते नसली होवे। बाबा जी सियालकोट, बाबा जी बालाकोट, बाबा जी पेटकोट, बाबा जी पैंट। कुछ दिन पहले की बात है, रोज की तरह वेला बैठा यूट्यूब पे पंगे ले रहा था कि अचानक मेरी नजर एक थंबनेल पे पड़ी। थंबनेल देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि कोई नया शोशा मार्केट में आया है, तो मैंने भी कहा जरा चेक तो मारे। थंबनेल और व्यूज देखते ही मुझे अंदर से फीलिंग्स आई कि व्यूज तो बहु आए हैं, अच्छा ही होगा, और मैंने सॉन्ग पे क्लिक कर दिया। बस ये गलती होगी मेरे से, और फिर ना पूछो वो लाते चली हैं कि क्या बताऊं, बंदा ब्रूस ली और टेकन 3 के पाउल को भी भूल जाए। ट्रिपल एच ने भी ये देख के एक ही बात की होनी है, शॉन माइकल मिल गया भाई मुझे तो। सॉन्ग शुरू होता है विलो साउंड स्टेशन के प्लेटफॉर्म से। गाने के स्टार्ट में उमेर भाई फुल तोम मार के हीरो वाले अंदाज में किसी बच्ची को याद दिलाते हैं कि याद करो पिछले महीने की 8 तारीख को, याद करो जुमेरात वाले दिन मैं तुम्हारी गली में से गुजरा था, एक रेडी वाला चने बेच रहा था, मैंने लाल रंग की निकर पहनी हुई थी, बस ये कहने की देर थी कि मैंने भी सोचा चेक तो मारे कि पिछली 8 को जुमेरात थी भैया, बस एवं। लो जी, मैंने गूगल बाजी के कैलेंडर में देखा तो पता चला कि पिछली 8 को तो जुमेरात था ही नहीं, और ये देख के मेरे दिमाग में एक ही बात आई, धोखा। ये क्या भाई, बोंगियां चल रही हैं, हटाओ यार, ऐसे तो नहीं चलता। अगली लाइन में भाई साहब फुल अकड़ के साथ उसी बच्ची को याद दिलाते हैं कि उसी दिन तपती धूप में तेरी भुती की चमक देख के 2 घंटे खड़े खड़े बेहोश हो गया, जब होश आया तो मेरी जुबान आधा किलोमीटर बाहर निकली हुई थी और मैं प्यास से हलकान हो रहा था, मैंने होश में आते ही तुमसे पानी मांगा था और तुमने अपनी गागर से मुझे पानी पिलाया था। अगर जिन लोगों को पता नहीं कि गागर क्या होता है तो सही पूछो तो मुझे भी नहीं पता, मैंने गूगल आंटी को जहमत दी कि पता तो चले। सर्च करने की देर थी कि सामने एक हांडी टाइप बर्तन नजर आया और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, अच्छा। अब ये चल क्या रहा है आजकल के दौर में, 1940s वाली लव स्टोरी। सॉन्ग की एंडिंग लाइन में भाई साहब ने भी बच्ची को एक दफा और याद करवाना होता है कि वो नहीं करवाते, और एक ऐसी किक मारते हैं कि जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेके व्हाइट हाउस में बैठे गोरों तक पहुंचती है। फ्लैंग किक के बाद ऑडियंस में खड़े लड़के लड़कियां धड़े मार मार के नाचना शुरू कर देते हैं कि जैसे नाचने के ठीक ठाक पैसे मिले हों। कोई ये झूम रहा है, कोई वो हाथ हिला रहा है, ऐसे में मेरी नजर एक ऐसे बंदे पे पड़ती है जिसने उमेर भाई की तरह काला चश्मा लगाया हुआ है, वो भी अंधेरे में। अरे अंधेरे में काला चश्मा पहनने का तो ये कौन से 500 एक्स्ट्रा मिले होंगे कि खुद की शामत करवाने के लिए आ गया। पूरे सॉन्ग में ऐसे ही फ्लाइंग किक्स चलती रहती हैं, वही बार बार बच्ची को याद करवाया जा रहा होता है कि तुमने मुझे पानी पिलाया था। अरे अगर किसी लड़की ने पानी पिलाया भी था तो ठीक है भाई, उसने नेकी की, इसमें इतना धारे मार मार के चीख चीख के पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत थी। उसी बच्ची को घर जाके कितनी डांट पड़ी होनी जब उसके अब्बा जी ने ये सॉन्ग सुना होना है, ऐसे थोड़ा ही होता है। गोरी को भी नसीहत होगी क्योंकि आइंदा कोई मरता हुआ बंदा भी पानी मांगेगा तो नहीं पिलाना, नहीं तो वो कल को रीमिक्स बना के पूरे वर्ल्ड में बदनाम करेगा। ये सॉन्ग सुनने के बाद गोरी ने भी सिर्फ एक ही बात बोली होनी है, किसे कह रहा भोसड़ी का जहाँ सा लिखा यही ठोस दूंगी जितने हैं तुम सारे का सारे। मार्केट में नया माल है और लोगों का प्यार नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जाने से पहले वामे मीम्स पे एक नजर, फिर दो सापा की भी मीम आ गई भाई, घर से कभी पानी पिया था प्यासा था मैं। ये वीडियो सिर्फ एक मजाक थी, सॉन्ग वाज नाइस, नथिंग सीरियस अबाउट इट। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।